अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं किचन विद साइमा यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं मैक्रोनी कोफ्ता। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने कोफ्तों को पहले से ऑलरेडी बना के रख लिया हुआ था। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। कोफ्तों को हमने यहाँ पर पहले फ्राई करना है, उसके बाद दूसरी साइड पर हम लॉन्ग मैक्रोनी मैंने लिया है, थोड़ा सा नमक लिया है, पानी में थोड़ा सा नमक और ऑयल ऐड किया है। और लॉन्ग मैक्रोनी मैंने यहाँ पर ली है, स्मॉल साइज़ की नहीं है, ये लॉन्ग है, ठीक है। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी है, आप देख लें आपने कितनी ऐड इसमें करनी है, कितनी नहीं, हाफ मतलब मैंने ऐड कर दी थी। दूसरी साइड पे मैंने ली है एक कढ़ाई, उसमें ऑयल ऐड किया है, ये गर्म हो चुका है तकरीबन। अब हम इसमें चीज़ें ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट ऐड किया था, ये लाइट ब्राउन हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ बंद गोभी, शिमला मिर्च, ठीक है। बंद गोभी और शिमला मिर्च मैंने थोड़ी थोड़ी सी बस ऐड की है सिर्फ टेस्ट के लिए। ये शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड हो चुकी है, ठीक है। पहले मैंने शिमला ऐड कर दिया था, फिर बंद गोभी ऐड कर दी थी। अब इसको हमने लाइट ब्राउन कलर देना है। इसके बाद मैंने इसमें मिर्चें ऐड कर दी थी, ठीक है, रेड लाल मिर्च ऐड की है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिली सॉस ऐड की है। चिली सॉस के बाद मैं इसके अंदर बताती हूँ आपको मैं क्या ऐड करूँगी। अब इसको हमने मिक्स करना है अच्छे से। अब हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा, लाइक माइनस सा, ठीक है। सिरका ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर। और ये है सोया सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस हम इसमें ऐड करेंगे, फिर सोया सॉस जो है वो चीज़ को स्पाइसी बना देता है। ये ऐड करने के बाद हम इसमें एक एक करके कोफ्ते में रख देंगे, जो मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे। मैं इसकी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कोफ्ते हमने रख लिए थे, ठीक है। अब हमने कोफ्तों को बस मतलब हल्का सा हिलाना है, ज़्यादा नहीं हिलाना, ये टूट ना जाए, ठीक है। इसको आप 10 मिनट के लिए दम पर भी दे सकते हैं। इसको करने के बाद जो हमने वहाँ पर दूसरी साइड पे स्पैगेटी हमने मतलब बॉईल की थी पानी में, वो हो चुकी है, उसको मैंने इसमें निकाल लिया था। और अब मैंने ये स्पैगेटी इसमें ऐड कर दी है, और ऊपर मैंने थोड़ी सी सोया सॉस और थोड़ी सी मैंने चिली सॉस इसमें ऐड कर दी थी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये थी रेड कलर की चिली। तो हमारे जो कोफ्ता स्पैगेटी है वो तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की रेसिपी मैं लेके आई थी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, स्पेशली ये आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। ऊपर आप केचप डाल दें, ठीक है। बच्चे ज़्यादातर स्पैगेटीज़ पसंद करते हैं, तो आप अपने घर पर अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। बड़े बच्चे छोटे सभी पसंद करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ मैं दोबारा आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा।